فإن كنت في شك मैं सिर्फ तुझे ही जानना चाहता हूँ। ऐ खुदा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। तू अपने आप को मुझ पर जाहिर कर। अगर तू वो मालिक है जो मेरा नबी कहता है, तो मेरी परेशानियों को मेरे जहन से दूर कर दे। मुझे तो सच्चाई की राह पर ले जा। मुझे यह एहसास और इस बात का विश्वास है कि तू ही सच्चा होता है। मैं यीशु जिसकी तुम्हें तलाश है। अजीज दोस्त, बाज वक्त हम किताबी चीजों में यूं उलझ जाते हैं कि यह हमारे लिए ना ही मुश्किल बल्कि एक दुश्वारी सी हो जाती है सच्चाई के तह तक जाना। अगर हम खुदावंद के सामने आए और अपने पूरे दिलों और दिमाग से फरियाद करे, ए खुदावंद, तू मुझे अपनी सच्चाई से आरास्ता कर और अपनी इस अपरा तफरी से निकाल कर अपनी सच्चाई को मुझ पर मुनकशिप कर, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। कलाम बाइबल मुकद्दस में मरकूम है कि क्योंकि खुदावंद की आंखें तमाम जमीन को देखती है ताकि वो उन लोगों को मजबूत करे जिनका दिल खुदा से पूरी तरह से वाबस्ता है और उसकी आरजू रखते हैं। खुदावंद हमें इन अफरा तफरी में अलहदा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे लिए एक वसीला हमवार करता है। सवाल है कि आखिर हमारा वसीला कौन है? यूहन्ना इंजील में मरकूम है कि हजरत ईसा मसीह ने कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई खुदा के पास नहीं पहुंच सकता। सवाल यह भी उठता है कि आखिर हजरत ईसा मसीह कौन है और क्यों खुदा ने उसे हमारा वसीला बनाया। कलाम में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान खैमजन हुआ और हमने उसमें बाप के एक लौते बेटे का जलाल देखा जो फजल और सच्चाई से मामूर था। कुरान मजीद में भी हजरत ईसा मसीह को कलमतुल्लाह के नाम से जानते हैं। कलामुल्लाह और कलाम मुजस्सिम, इन दोनों लफ्जों पर थोड़ी सी रोशनी डालें तो ये वाजिया हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। मसलन, मैं एक शख्स हूँ ये आप जानते हैं, पर मैं कौन हूँ ये तब वाजिया हो जाता है जब मैं आपको अपना तारुफ देता हूँ, तो आप मेरे लफ्ज और कलाम से वाकिफ हो जाते हैं और लफ्ज जो मेरे अंदर से निकलती है वो मेरी पहचान है। हजरत ईसा अल मसीह से कबल खुदा ने कई पैगंबरों को कलाम के साथ भेजा, पर आखिर में उसने अपने कलाम को मुजस्सिम करके हमारे दरमियान रूह के जरिए से भेजा। इंजील शरीफ में लिखा है कि फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, तो उस पर खुदा का फजल हुआ है, तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, तू उसका नाम ईसा रखना,
वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीज दोस्त, मैं इस लफ्ज बेटा का भी वाजिया कर देना चाहता हूँ। ये लफ्ज यहाँ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस्लाम में भी कई ऐसे मिसाल मिलते हैं। अबू हुरैरा, बिल्ली का बाप, अबू तुराब, मिट्टी का बाप। तो इस लफ्जों से इस बात का इजहार हो जाता है, खुदावंद अपनी कलाम को मुजस्सिम करके हम तक भेजना सिर्फ अपनी कुदरत और कुव्वत को दिखाना नहीं चाहता बल्कि उसके जरिए से वो अपनी मोहब्बत का इजहार हम पर करना चाहता है। इंजील शरीफ में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि वो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे दोस्त, हमारा कोई भी अमाल खुदा के सामने रास्तेबाज ठहरा नहीं सकता। खुदावंद हमें हजरत ईसा मसीह के वसीले से तमाम गुनाहों से निजात देता है, जैसा कलाम में लिखा है, क्योंकि हमें ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और हमें हमारी कोशिशों के नतीजे से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश से। खुदा चाहता है कि हम निजात हिंदा हजरत ईसा मसीह पर ईमान लाकर उसके अजीम निजात का हासिल करके उसकी कुर्बत में आए। खुदावंद आपको मसीह में बरकत दे और आपको राह मुस्तकीम पर चलाने में आपकी हिदायत करे।